फ्रेंड्स, हम लोग साइंस के चैप्टर 13 एनवायरमेंटल पोल्यूशन को पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। जैसे हम लोगों ने एनवायरमेंट के बारे में जाना है, एनवायरमेंट के बारे में जानने के बाद हम लोगों ने पोल्यूशन के बारे में जाना, फिर पोल्यूशन के अलग अलग काइंड्स जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, है ना, नॉइज पोल्यूशन के बारे में भी जाना। अब इन पोल्यूशन के फैक्टर कौन होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उन फैक्टर्स का के कारण जो पोल्यूशन होता है उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पोल्यूशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज मैं एक आपके सामने एक आर्स मेथड लाया हूँ जिसे हम रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल कहते हैं। अगर हमें पोल्यूशन को कम करना है तो हमें इन तीनों चीज़ों को रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आर द 3 R's फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। यानी अगर हम वातावरण को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षित रखना है तो इन आर्स को हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। जैसे रिड्यूस क्या होता है, वी नीड टू रिड्यूस अवर नीड्स व्हेन वी यूज लेसर नंबर ऑफ प्रोडक्ट, लेसर अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड। कह रहा है कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमें अपनी ज़रूरतों को थोड़ा कम करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा अपने पाँव सिकोड़ने पड़ेंगे चादर में, ज़बरदस्ती बाहर नहीं निकालना है। तो कहने का मतलब है कि हमें अपनी ज़रूरतों को कम करना होगा ताकि कम प्रोडक्ट बने, और कम प्रोडक्ट बनेंगे तो वेस्टेज भी कम जनरेट होगा। ठीक है, तो रिड्यूस इस तरह से। रीयूज़ क्या है, वी शुड रीयूज प्रोडक्ट से पेपर एंड प्लास्टिक बैग एंड रिपेयर ब्रोकन अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड टॉयज। कह रहे हैं कि यहाँ पर आप जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, इस्तेमाल करने के बाद से फेंक देते हो, तो आप उसको कुछ ऐसा करो कि उसे आप दोबारा रीयूज़ कर पाओ। ठीक है, तो जब रीयूज़ करोगे, जैसे आप कागज़ को दोबारा इस्तेमाल करो, जैसे आपने लिख लिया, लिखने के बाद बेकार हो गया आपके लिए, तो आप उसी का लिफाफा बना सकते हो, है ना, अलग अलग पर्पज़ में इस्तेमाल कर सकते। प्लास्टिक बैग है, एक में प्लास्टिक बैग जो है वो प्लास्टिक ख़राब हो गया तो इसको माउल्ड करके फिर से दूसरी चीज़ बना सकते हो, नया बनाने की ज़रूरत नहीं है, है ना। इसी तरह जो भी चीज़ें टूट जाए, फर्नीचर ख़राब हो जाए, लकड़ी ख़राब हो जाए, टॉय खिलौने ख़राब हो जाए, उसको हम ठीक करा सकते हैं। यानी हमें रीयूज़ करना चाहिए, दोबारा उसको ठीक करके इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, रिसाइकल, वेस्ट शुड बी रिसाइकल टू क्रिएट ए न्यू थिंग दैट कैन बी यूज। अब जो भी वेस्ट निकलता है इस्तेमाल करने के बाद, ठीक है, उसको अगर हम दोबारा रिसाइकल करके और नई चीज़ बना दें तो वो हमारा रिसाइकल कहलाता है। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीज़ें अब देख लें, न्यूज़पेपर है, ओल्ड है, ओल्ड क्लॉथेस है, प्लास्टिक प्रोडक्ट है, इनको हम रिसाइकल करके नई नई चीज़ें बना सकते हैं और इनको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, इन तीनों आर्स फैक्टर से हम एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज यहाँ पर जो है ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।